गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। टुडे आई वोक अप विद दिस ब्यूटीफुल सनराइज एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द माय हाउस, और जो इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। सीधा यहाँ पे सनराइज होता है और राइट बैक साइड ऑफ माय हाउस यहाँ से सन सेट होते हुए दिखता है, विच इज़ अ ब्यूटीफुल, बयान नहीं कर पाऊँगा, बहुत सही लगता है। अभी हम लोग उठ के नहा धो के रेडी हो गए। नाउ यू विल सी कि सेम शर्ट क्यों पहना हुआ है, जस्ट टू प्रोटेक्ट माई स्लीव्स एंड ऑल, जस्ट फ्रॉम द टैनिंग। आई एम जस्ट यू नो कवरिंग माई स्लीव्स बिकॉज आई एम वेयरिंग दिस शर्ट। अदरवाइज मैं अंदर के टी शर्ट जो है वो बार बार चेंज कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये तो हर दिन एक नया व्लॉग बना रहा है। ये सेम शर्ट तो दिख रहा तेरे ऊपर, बट सिर्फ यू नो धूप से बचने के लिए मैं ये सारे तामझाम कर रहा हूँ। ऑल्दो इट शुड नॉट इफेक्ट मी, या फिर उस चीज़ से बॉदर नहीं होना चाहिए, बट स्टिल मैं पहन लेता हूँ। थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए बॉडी का। तो दिस इज़ द सनराइज, आई होप यू कैन सी दिस। मैं काम करता हूँ, तुम लोगों को बैक कैमरा से दिखा देता हूँ, उसमें से और अच्छा दिखेगा। अच्छा, आँखें ओपन नहीं हो रही है, ट्राई सी वट अ ब्यूटीफुल सनराइज। और ये सनराइज में जस्ट मैं उठा, नहा धो के हम लोग रेडी हो चुके। आज स्पेशल दिन है, दिस इज़ अ 15th August एंड यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, 75th इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। अरे स्कूल पंचायत वो साइड में सब यू नो फ्लैग ध्वजा वंदन वहीं पे जा रहे हैं। स्कूल की यादें वापस ताज़ा करने हम लोग जा रहे थे। स्कूल के टाइम मुझे याद है अभी भी, 7 बजे 6 बजे उठ के भागा दौड़ा करते थे हम लोग, जाके यू नो सल्यूट करते थे। उस चीज़ को वापस हम लोग दोहराने जाने वाले हैं। सो इट्स मैं रात से हम लोग वही सोच रहे थे कि कैसे जाने का, बिकॉज बाइक जो है थोड़ा सा साथ नहीं दे रही है, बट स्टिल सुबह भाई ने कज़िन ब्रदर ने इसको स्टार्ट करने की कोशिश की, तो वो स्टार्ट हो चुकी इसको। Hey guys, now there was a little problem in the morning. As I said, this battery is giving some issue. वही सीन हो गया यार, बैटरी अर्ली मॉर्निंग जब स्टार्ट किया था तो वो टाइम पे तो स्टार्ट हो गई बाइक, लेकिन जब हम एक्चुअल में बाहर जाने के लिए निकले थे, जिस जो प्लान बना था हमारा, यू नो फ्लैग को सैल्यूट करने जाना था, यू नो स्कूल में जाना था, वो सारी चीज़ें करनी थी प्लान के हिसाब से, बट बाइक ने थोड़ा सा धोखा दे दिया। तो हमने बस दो घंटा वेट किया, और एक मामा का लड़का है उसने मामा की बाइक लेके आया, और फिर इन दोनों ने मिलके, मासी का लड़का और मामी का मासी का लड़का एंड मामा का लड़का, इन दोनों ने मिलके मेरी बैटरी को, मतलब बाइक को चार्ज कर दिया, चालू कर दिया। सम हाउ दे हैव मैनेज्ड इट। बहुत कंटाल आ रहा था, मूड ऑफ हो गया था, बट स्टिल उन लोगों ने कर दिखाया। सो अभी हम लोग निकल पड़े। अंदर जो प्लान था गांव में जाने का, स्कूल में जाने का, ये सारा प्लान जो है हमने छोड़ दिया। अभी आई एम ऑन द वे टूवर्ड्स माई नानीज प्लेस। ओके, सो यही बताना था। अभी एक काम करता हूँ यार, ये बैटरी ना बहुत तंग कर रही है, तो फाइनली इसको मैं चेंज कर दूंगा। सिंस देर इज़ अ प्रॉब्लम, अगेन देर इज़ अ प्रॉब्लम कि यू नो सैटरडे संडेज है ना, तो यहाँ पे भी अभी तक वो लॉकडाउन वाला सीन चालू है, वीकेंड लॉकडाउन, तो उस हिसाब से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। नॉट ऑल द प्लेसेज, बट सम प्लेसेज देर इज़ अ प्रॉब्लम यू नो, तो उस हिसाब से देखता हूँ। अभी एक सामने एक छोटा सा गाँव आ जाएगा, वहाँ पे मैं चेक करता हूँ बैटरी अगर अवेलेबल रहेगी तो। ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर अमेजिंग व्यू विच कमिंग अहेड। ओके गाइज, यहाँ पे अभी मेरे नानी के गांव जाते टाइम एक छोटी सी नदी आती है, उसका तो मैं व्यू दिखा लेता हूँ। ये नदी में अभी फ़िलहाल उतना पानी नहीं है जितना पानी पहले हुआ करता था। मुझे अभी भी याद है बचपन में जब हम नानी के घर आना जाना रहता था ना, तो कोई ज़्यादा व्हीकल्स अवेलेबल नहीं था, तो वो टाइम पे है ना
नाना कभी डैडी मुझे ना अपने कंधे पे बिठा के लेके आते थे, और वो टाइम पे व्हीकल इसके लिए अवेलेबल नहीं रहते थे क्योंकि पानी बहुत रहता था वो ये टाइम पे इस नदी में। तो अभी तुम देख लो यहाँ पे फ़िलहाल हालांकि नया ब्रिज का काम बन रहा है, बट ये जो है अभी जो रोड से मैं जा रहा हूँ, सी दिस इज़ द वाटर, ये वाला पूरा रोड पे पानी और घुटने तक, वो देखो ये साइड से और ये साइड से कुछ इस तरह दिखता था। और ये टाइम पे हम लोग ना नाना मुझे कंधे पे बिठा के लेके आते थे, और वो तभी से मतलब एक मेमोरी सी बन गई है, मतलब दिमाग में छप जाता है। छोटे रहते ना कुछ अलग सी चीज़ें होती तो दिमाग में बैठती है ना, वैसा ही हुआ था। तो ये एक चीज़ थी मुझे तुम लोगों को बताना था। तो अभी कुछ नहीं, एक सामने हे गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आप लोगों को मैं बता दूँ, मैं 2-3 दिन से ये जो ग्लव्स है ना कंटिन्यूसली पहन रहा हूँ, जब भी मैं खास करके जब भी ब्लॉग के सामने आ रहा हूँ। सो उसके पीछे एक छोटा सा रीज़न है। एक्चुअली मैं अभी जो मेरे मासी के घर पे था वहाँ पे पंचमी होता है, पंचमी थी 2 दिन पहले। तो उस दिन एक्चुअली हुआ क्या है कि मेरी छोटी जो सिस्टर है, उस सिस्टर ने मुझे एक रिक्वेस्ट की थी कि शी वॉन्टेड मी टू हैव दिस थिंग ऑन माई हैंड्स। ओके, तो उसको पता नहीं क्या खुशी मिली, उसको अच्छा लगा कि ये उसको लगाने में, तो मुझे बोली कि ये अच्छा लगेगा तू प्लीज़ मेरे लिए कर देना। तो शी जस्ट रिक्वेस्टेड मी एंड देन मैंने इसको लगा दिया अपने हाथों पे। अनफॉर्चुनेटली मैंने दोनों हाथों पे उसने लगा दिया, तो बस वही चीज़ थी। इसके लिए मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ ये ग्लव्स कि ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिखे नहीं, बट आई डोंट वॉन्ट टू यू नो कुछ ऐसा हाइड करने लायक है नहीं, सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो ये चीज़ तो मैं एटलीस्ट क्यों रखूँ, तो यही बता रहा हूँ। इट्स लुक्स लिटिल वियर्ड, बट ठीक है यार, मेरी वजह से उसको खुशी मिली तो मैं उस चीज़ के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि कोई वीडियो में अगर ये दिख रहा हो, और मैं अगले वीडियो में इसको निकाल भी दूंगा, जस्ट बिकॉज आई एम टेलिंग यू ऑल दैट यू नो ये चीज़ थी। एटलीस्ट मैं बताना यू नो छोड़ भी सकता था, नहीं बता सकता था, लेकिन क्या होगा बहुत वीडियो और ये बहुत दिन जाएगा इसको ये निकलने में। कुछ अजीब सा लग रहा है, पूरे हाथ पे लड़की की तरह उसने मेहंदी रचाई मेरे हाथ में, छोटी है यार, इसके लिए मैंने उसको मना नहीं किया और वो बहुत खुश हो गई, तो मैं उसके लिए रेडी हो गया। और ये अभी अभी जाके थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है वीडियो में, ऑफकोर्स यार वीडियो मेरे अपलोड होंगे यूट्यूब पर। सो बस मुझे वो इतना आप लोगों को बताना था, क्योंकि जब भी वीडियो कर रहा हूँ तो ये ग्लव्स पहनना पड़ रहा है और वो अच्छा नहीं लगेगा हमेशा कि क्या ग्लव्स पहन के वीडियो कर रहा है। सो बस आप लोगों को पहले ये बता दूँ, उसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ इसको निकाल के। हे गाइस, आई जस्ट रीच माय नानीज प्लेस। सो अभी यहाँ पे कुछ प्लेस इस तरह है, मैं बहुत धूप लग रहा था तो मैंने ना पानी से मुंह भी धो लिया। दिस इज आप लोगों को लेमन का, हमारे यहाँ पे लेमन का पेड़ है हमारा, सी With all our lemons. ये एक है, और right here आप लोगों को दिखा देता हूँ custard apples. I hope you can see this. Apples है, custard apples, सीताफल। यहाँ पे एक है, ये हमेशा से बचपन पे यही चीज़ें हम लोगों ने बहुत सारी इन्जॉय की है। गुआवा का, पेरू का भी पेड़ था, बट नाना नानी ने बाद में उसको कट कर दिया था, क्योंकि हम लोग इतनी मस्ती करते थे बचपन में, इतनी मस्ती करते थे। सी दिस, ये वाला एक कस्टर्ड एप्पल है, यहाँ पे हाथ में आता है। सी दीज आर दी ट्रीज दैट वी हैव। यहाँ पे लेमन का एक है, यहाँ पे कस्टर्ड एप्पल है। ठंडी सी हवा चल रही है, मैं अभी मेरे घर के पीछे साइड जा रहा हूँ, वो वाला व्यू दिखा देता हूँ। अभी भी आप लोग अगर देखते रहोगे, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये देखो, ये पूरा ये साइड में खेती है, लेकिन उसी के अंदर हम लोगों ने ऐसा पेड़ लगा के ना पूरा ऐसा काइंड ऑफ ना बगीचा टाइप बनाया हुआ। देखो, आई एम नॉट श्योर कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है, बट इतना सुकून है यहाँ पे, इतना सुकून लगता है ना, वाह। ये वाला जो पेड़ है ना, दिस इज़ नॉट द कस्टर्ड एप्पल बट दिस इज़ रामफल। मुझे इंग्लिश में इसका वर्ड एक्चुअली नहीं पता है कि क्या बोलते हैं इसको, बट दिस इज़ रामफल जो है। अभी इसको नहीं लगा है फॉर सम रीज़न, इसका एक कुछ अलग सीज़न होता है गेस। ये एक है,
और मैं अभी इसके बाजू में क्या है वो दिखाता हूँ। अभी मैं यहाँ से पीछे जा रहा हूँ। ओके सी, ये पूरा खेती, सी दिस, ये पूरा खेती है हमारे घर के, नानी के घर के पीछे ये पूरा खेती है। हमारा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली हमारा नहीं है। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि दिस ऑल अर्ली मॉर्निंग, यहाँ पे जाओ निकलो, फ्रेश एयर, एवरीथिंग। इट्स आई थिंक 11 और 12 o'clock हो रहा है, 12 एक बज रहा है, एग्जैक्टली टाइम नहीं पता, क्योंकि अभी हम लोग आए नानी से मिले एंड देन जस्ट मैं बोला कि यार वीडियो बनता है इसमें। तो लास्ट टाइम जब आया था मैं बहुत घाई में था, तो वो टाइम पे कुछ दिखा नहीं पाया, तो कुछ इस तरह दिखता है ये वाला सीन। इसके अंदर हमें जाना है, मैं यहाँ से आया, अभी मैं वापस चला जाता हूँ। सो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करो, ऐसे ही वीडियो मिलेंगे फ्यूचर में भी। और कुछ इस तरह से, ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। ओके, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।